अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल तथा उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के रजत जयंती वर्ष पर गोरखपुर बस्ती मंडल का सम्मेलन विजय चौक स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष आलोक चौरसिया, महामंत्री योगेंद्र नाथ दुबे सहित मंडल स्तरीय पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। सम्मेलन में व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोके जाने और 3 सितंबर को लखनऊ में होने वाले व्यापारी महाकुंभ के तैयारियों सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत माल्यार्पण करके किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि देश की आजादी के 71 वर्ष बाद भी व्यापारी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। व्यापारियों को किसी भी सरकार ने राहत नहीं दिया है, जबकि व्यापारी देश की आर्थिक आजादी में भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को व्यापारी लखनऊ में व्यापारी दिवस के अवसर पर व्यापारी महाकुंभ सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें व्यापारियों के समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, आदरणीय सभी पदाधिकारी सर, देश की आज़ादी का 71 साल पूरा हो गया, लेकिन हिंदुस्तान का व्यापारी आज भी अंग्रेज के बनाए नियम कानून का गुलाम है। मैं ये नहीं मानता कि हिंदुस्तान का व्यापारी आज़ाद है, वो आज भी गुलाम है। कहीं पर नौकरशाही उसको दबा रही है, कहीं पर अफसरशाही दबा रही है, और कहीं पर राजनीतिक दल दबा रहे हैं। 3 सितंबर 2018 के बाद से व्यापारी अब इस अपमान की और अत्याचार की जंजीरों को तोड़ के फेंक देगा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में संगठन के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष पर व्यापारी दिवस व्यापारी महाकुंभ के रूप में राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इस व्यापारी महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के हजारों हजार व्यापारी होंगे और हम ऐलान करेंगे इसमें कि अगर देश की सीमा की सुरक्षा एक फौजी करता है, तो देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा एक व्यापारी करता है, और दोनों को एक समान अधिकार, एक समान सम्मान होना चाहिए। यही संकल्प लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आगे बढ़ रहा है। हम देश में व्यापारी की परिभाषा को बदल के रखेंगे। व्यापारी को जो वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान दिला कर रहेंगे। उसी व्यापारी महाकुंभ की तैयारी के लिए आज बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल की बैठक गोरखपुर में आयोजित की गई।